मावली तहसील के अंतरगांव प्राथमिक केंद्र के मनमानी कार्य की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सावली तहसील के अंतरगांव में प्राथमिक आरोग्य केंद्र है, जिसमें 20 से 25 गांव का समावेश है। मगर इस प्राथमिक आरोग्य केंद्र में 2 वैद्यकीय अधिकारियों की पोस्ट है, मगर यहां के वैद्यकीय अधिकारी यादव की तबीयत ठीक न होने से वे मेडिकल छुट्टी पर हैं और उनके स्थान पर वर्तमान में शेख वैद्यकीय अधिकारी के रूप में कार्यभार देख रहे हैं। मगर विशेष बात यह है कि दवाखाना खुलने का सुबह 8 बजे है और एक बार ओपीडी शुरू हो गई तो मरीज डॉक्टर की चिट्ठी निकालकर डॉक्टर की राह देखते रहते हैं, मगर डॉक्टर की राह देखते देखते मरीजों को अपने घर जाना पड़ा। वहीं इस संदर्भ में सिटी न्यूज प्रतिनिधि प्रवीण गेडाम ने वहां पर मौजूद मरीजों के साथ जिला परिषद सदस्य वैशाली शेरगी से बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने इस संदर्भ में क्या कहा। स्वयं उन्हीं की जुबानी। यहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर नहीं होने की वजह से यहाँ के रोगियों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी और कम से कम 4 से 5 घंटे यहाँ पर सब रुग्ण लोग खड़े थे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर आज पर्यंत त्यांची सेवा व्यवस्थित सुरू होती, पण आजच्या घटीला आजचा दिवस म्हणजे त्यांनी सुट्टी सुद्धा घेतले नव्हते, अर्ज सुद्धा घेतले नव्हते। माझ्या आईची तब्येत बरी नसल्यामुळे ते चालले गेले। 45 पेशंट त्याचं वाट पाहत होते डॉक्टरची, कारण रुग्णांना सेवा देत नाही हे बरोबर नाही आहे। मी वारंवार मागणी करते, वारंवार जीबीच्या मीटिंगमध्ये विषय टाकते, आरोग्य समितीच्या समितीमध्ये विषय मांडते, तर याच्यामुळे खूप माझ्या अंतरगाव पेशेला व माझ्या क्षेत्रातल्या जनतेला त्रास होत आहे, पेशंटना त्रास होत आहे। तर वारंवार मागणी केल्यानंतरही माझी मागणी पूर्ण होत नाही आहे, तर आपले डीओचे अधिकारी आपले पदाधिकारी यांनी तत्काळ लक्ष द्यावे आणि माझ्या अंतरगाव पेशेला चांगले डॉक्टर द्यावे, ही माझी मागणी।